दोस्तों, क्या आप डिप्रेस्ड है कि आपकी शादी नहीं हो रहा है? बहुत कुछ ट्राई कर लिया फिर भी शादी नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि कोई पार्टनर भी आपको मिल नहीं रहा है, या पार्टनर मिलता तो है लेकिन रुकता नहीं। मतलब आपके लाइफ में प्यार, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस गायब हो जा रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए। इससे पहले ऐसी टिप्स किसी ने नहीं दिया, एक ऐसी मेडिटेशन जो आपको 100% रिजल्ट देगा। लेकिन दोस्तों, मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि आपके लाइफ में पार्टनर मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, या आपकी शादी क्यों नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है, इस बात पर आप ध्यान दीजिए। इसको पहले आप इसके ऊपर काम कीजिए, उसके बाद आप पार्टनर को मैनिफेस्ट इजीली कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ढूंढना होगा कि आपका शादी क्यों नहीं हो रहा है, और रीज़न को ढूंढना होगा। मतलब आपको ये सारी ब्लॉकेजेस कहाँ से आ रही है, मतलब आपका जो सोच है, आपका जो विचार है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। और आपका जो इनर वर्ल्ड है, मतलब फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी, दो बॉडी होता है, तो मेंटल बॉडी का सिचुएशन कैसा है, मेंटल बॉडी में कहाँ कहाँ आपका ब्लॉकेज है, उन सारी ब्लॉकेजों के कारण ही आपका रिलेशनशिप या लव या मैरिज नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, खुद के अंदर का ब्लॉकेज को रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप पार्टनर को या आप मैरिज को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इस तरह की सिचुएशन में लोग हमेशा खुद को अलग से रखते हैं, अकेलेपन महसूस करते हैं, या उन लोगों के खिलाफ दुर्भावना रखता है जिन्हें वो प्यार करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ जेलासी फीलिंग्स उन लोगों के अंदर आते हैं, या बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होता है, या इंटीमेसी से कुछ प्यार आता है। कभी कभी ऐसा भी देखा है कि आपको दूसरों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। तो इन सारी विचारों पर पहले काम करना पड़ेगा, इन सारी विचारों को रिमूव करना पड़ेगा, और उसकी जगह दूसरे विचार को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इसके अलावा मनुष्य के शरीर में जो 7 चक्रा होता है, वो 7 चक्रा का अलग अलग रोल होता है। तो वो चक्रा अगर डिसबैलेंस होता है, इनएक्टिव होता है, तब भी लोगों के लाइफ में स्ट्रगल, प्रॉब्लम, इस तरह का बहुत सारे समस्या आते हैं। तो रिसर्च में देखा गया है कि अगर हार्ट चक्रा और सैक्रल चक्रा, ये दो चक्रा अगर इम्बैलेंस है, इनएक्टिव है, तो भी शादी या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते हैं। तो सबसे पहले चक्रा को बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने मैरिज को या पार्टनर को मैनिफेस्ट करें। तो दोस्तों, चलिए मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि ये मेडिटेशन आपको अगले 40 दिन तक करना है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन मेडिटेशन किया, वीडियो देखा, उसके बाद आप सोच लिया कि आपका शादी हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है, आपको कंसिस्टेंसी रख कर इसको प्रैक्टिस करते जाना है। आप एक शांत जगह पर बैठ जाइए या लेट जाइए। अभी आप गहरी सांस अंदर लीजिए और सांसों को छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल। इस तरह से आप 4 या 5 बार
सांसों को लीजिए और सांसों को छोड़िए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी आप अपने शरीर को माथे से लेकर पांव तक ढीला छोड़ दे। आप ट्रांस में जा रहे हैं। आपका शरीर एक एक अंग रिलैक्स होता जा रहा है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी आप फील करें, अनुभव करें कि यूनिवर्स से एक गोल्डन बॉल आपके माथे के ऊपर तहर रहे हैं और वो धीरे धीरे आपके माथे के अंदर मतलब क्राउन चक्रा से लेकर थर्ड आई होकर वो धीरे धीरे आप फील कीजिए, वो बल धीरे धीरे आपके अंदर समा रहे हैं। आप फील कीजिए, फील इट, धीरे धीरे वो बल आपके हार्ट चक्र पर आकर हरा रंग यानी कि ग्रीन कलर में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आपका हार्ट चक्र पूरे हरे रंग से ग्रीन से परिपूर्ण हो रहे हैं। आपके मन में हार्ट में आपके विचार में जो भय डर चिंता ईर्ष्या घृणा ये सारे ब्लॉकेजेस ये सारे विचारों को रिमूव करते हुए आपके हार्ट चक्र बैलेंस हो रहा है। आपके हार्ट चक्र एक्टिव हो रहा है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फील इट फील इट फील इट। अनुभव करें कि वो हरा रंग आपके हार्ट चक्र में परिपूर्ण है। वो हरा रंग की फीलिंग्स आपको फील करना है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी वही गोल्डन बॉल आपके मणिपुर चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सस होकर सैक्रल चक्र में यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र में जा रही है। आप फील करें कि आपका सैक्रल चक्र में वो बॉल आकर नारंगी रंग में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ऑरेंज कलर में वो बॉल ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आपका सैक्रल चक्र नारंगी रंग से परिपूर्ण हो रहा है। आपके अंदर का जो इमोशन जो लव को लेकर जो ब्लॉकेजेस जो फियर है जो डर है जो नेगेटिव विचार है इंटीमेसी होने का आपका जो फियर या जो आपका प्रॉब्लम है वो सारी रिमूव होकर क्लींज होकर एक्टिव हो रहा है। बैलेंस हो रहा है। चार्ज हो रहा है। अनुभव करें, फील करें, फील इट, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी आप पूरी तरह बैलेंस हो गया है। आपके इनर वर्ल्ड में आपके जो लव की वाइब्रेशन है वो आपके शरीर में
आपके भीतरी दुनिया में उस एनर्जी परिपूर्ण हो रहा है। अभी आप एक हाई फ्रीक्वेंसी में है। फील इट, अनुभव करें। जस्ट फील इट, फील इट। आप उस इंसान को कल्पना करें जिसे आप अपनी लाइफ में पार्टनर के रूप में पाना चाहते हैं या चाहती है, या उस टाइप के इंसान को आप कल्पना करें जैसा आप डिजर्व करते हैं। आप कल्पना करें कि वो व्यक्ति आपके सामने है। आप उस व्यक्ति की चेहरे को कल्पना करें और उसके आंखों में देखते हुए मन ही मन बोले, मैं बहुत खास हूँ, मैं सबसे अच्छे प्यार का हकदार हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता या करती हूँ, मैं आपके प्यार का लायक हूँ। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अभी आप सुनने की कोशिश कीजिए कि वो व्यक्ति आपको भी बोल रहे हैं कि वो आपके प्यार के लायक है। वो फीलिंग्स को महसूस कीजिए कि वो व्यक्ति आपको वही लव एक्सप्रेस कर रहे हैं जो आप पाना चाहते हैं। वही वाइब्रेशन को आप अपने मन में, आपके शरीर में फील कीजिए। आपको वो फीलिंग्स इस वक्त हो रहा है जो फीलिंग्स आप हमेशा से आपके ड्रीम पार्टनर को देखते आए हुए हैं। वो वाइब्रेशन को आप अपने शरीर में, अपने मन में फील करें, फील करें कि आप बहुत हैप्पी है, आप बहुत हैप्पी है, आप उनके साथ बहुत खुश है। आप जो जैसे लाइफ पार्टनर को आप मन ही मन चाहते थे, वही लाइफ पार्टनर, वही व्यक्ति आपके सामने है और आपसे बातें कर रहे हैं। आप दोनों बहुत खुश है और आपको बोल रहे हैं, मैं आपके प्यार का लायक हूँ। I deserve your love। अभी आप फिर से सांस लीजिए और सांसों को छोड़िए। अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आए। आप अपने शरीर को महसूस कीजिए और धीरे धीरे अपना हाथ और पैरों के उंगलियों को हिलाए। एक गहरी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल दीजिए।